हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो इंग्लिश सीखी है, क्या कुछ लर्न किया है उससे आपने अपनी लाइफ में? उसे यूज़ कर रहे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ इस्तेमाल कर रहे होंगे, बोलना शुरू कर चुके होंगे। यू हैव स्टार्टेड इट, सो लेट्स टेक अनदर स्टेप। बिल्कुल, हम अपने इंग्लिश जो सीख रहे हैं उसकी प्रिपरेशन के अगले स्टेप को लेते हैं। और उसका नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बिल्कुल, अभी तक दो पार्ट हम कर चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब हम कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की शुरुआत। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर किसी सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं, दिया है, दिए हैं, ऐसे शब्द आते हैं तो हमें पहचान हो जाती है उनकी कि ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैं। और इसमें हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब लेते हैं वो होती है have, has। बिल्कुल, helping verb की बात करें तो इसमें have, has का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा अभी sentence structure। Sentence structure इसका होगा simple affirmative sentence के लिए subject plus have या has plus verb की third form plus object, ये आएगा। We use has with singular subject like he, she, it and with the name of any person, place or thing, etc. We use have with the plural subject like we, you, they, etc. और I exception रहेगा, I के साथ have use होता है। ये आप अपने दिमाग में अच्छे से बात को बैठा लीजिएगा कि I के साथ हम have का प्रयोग करेंगे, have use होगा। Example देख लेते हैं। इस बार मैंने हिंदी लाइन नहीं लिखी है, क्यों? आपको खुद ये समझना है इसकी अच्छी हिंदी क्या बनेगी, परफेक्ट हिंदी लाइन क्या बनेगी। जब तक आप उस चीज को एग्जैक्ट हिंदी में परफेक्ट नहीं बोलेंगे, इंग्लिश कैसे बनाएंगे? आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो जैसे कि हम जानते हैं सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, लिया है, दिया है, दिए आते हैं, तो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूं। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ही हैज रेड 3 books दिस वीक। उसने या वह इस हफ्ते 3 किताबें पढ़ चुका है। ध्यान रखिएगा, रीड रेड रेड बोलते हैं हमेशा, स्पेलिंग यही रहेगी, पर फर्स्ट फॉर्म के लिए रीड, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म के लिए रेड रेड आता है, ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। अरुण हैज लर्न टू प्ले द पियानो। अरुण पियानो बजाना सीख चुका है। द फ्लावर्स हैव ब्लूम्ड इन द गार्डन। फूल बगीचे में खिल चुके हैं। अब आप देखिए कितनी सिंपल हिंदी बन रही है, बस हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसकी पहचान पता होनी चाहिए, तो हम इतने ही आसान तरीके से इंग्लिश के वाक्यों को सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में बोल सकते हैं। मेन फोकस पे ध्यान रखिएगा कि हमें ये सेंटेंसेस अपनी रियल लाइफ में बोलने हैं, सिर्फ समझने से खाली काम नहीं चलेगा, हमें बोलना भी है। फॉर नेगेटिव सेंटेंस, अपने प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर में नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा वो आप देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है या गलती से टाइपिंग गलत हो गई है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपका हैज हैव के बाद नॉट आता है, ये ध्यान रखिएगा। देखते हैं एग्जाम्पल में, देख लीजिए। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क होमवर्क येट। मैंने अपना होमवर्क अभी तक समाप्त नहीं किया है। She has not replied to my mail. उसने मेरी मेल का रिप्लाई नहीं किया है। They have not performed their duty. उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई है। Shreya has not completed her homework. Shreya ने अपना होमवर्क कंप्लीट या पूरा नहीं किया है। We have not received any updates on our project. हमें अपने प्रोजेक्ट पर किसी भी प्रकार की कोई अपडेट प्राप्त नहीं हुई है। She has not learned how to swim yet. उसने अभी तक नहीं सीखा है कैसे तैरते हैं। उसने अभी तक नहीं सीखा हुआ है कैसे तैरते हैं। ये जो लाइंस आप देख रहे हैं हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव के लिए हम हैज या हैव, जो हेल्पिंग वर्ब है पहले आएगी सब्जेक्ट से, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। हर सेंटेंस का या हर आप टेंस का देखिएगा स्ट्रक्चर लगभग यही रहता है, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट। बस आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब का, उसके जो मेन वर्ब है उसके आपको
फर्स्ट फॉर्म का, सेकंड फॉर्म का, थर्ड फॉर्म का, इन सब का पता होना चाहिए। यही मेन चीज है जो आप अपनी डेली लाइफ में बोलने से, पढ़ने से, न्यूज़पेपर सीख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैज शी ब्राउट हर बुक विद हर, क्या वह अपनी किताब अपने साथ लाई है? हैव दे अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, क्या उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया है? हैज ही फिनिश्ड हिज होमवर्क या हैज ही फिनिश्ड हिज वर्क, क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया है? एक लाइन आप लोगों के लिए हिंदी में लिख दी है ताकि आप समझ सके। हैव द किड्स ईटन देयर फूड, क्या बच्चों ने अपना खाना खा लिया है? हैज जे सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे, क्या जे ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया है? देखिए कितने सेंटेंस आसान है बनाने अगर आपको टेंस की पहचान हो। बस यही आपने सीखना है। एग्जाम्पल मैंने कुछ दे दिए हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर बता दिया है, इसी से आप नए नए सेंटेंस बनाइए। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जो वो देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, नए 5 सेंटेंस बना के आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए ताकि हमें ये पता चले कि आप सीख रहे हैं। और प्लीज 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी वीडियोज को, इस वीडियोस को भी अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, ताकि वो भी आपके साथ इंग्लिश सीखें और आप उनके साथ कम्युनिकेशन करके अपनी इंग्लिश को बेहतर या इम्प्रूव कर सकें। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों से, अपने दोस्तों से भी कराइए। नाम मज़ेदार जोरदार, बिल्कुल आगे बहुत ही बढ़िया वीडियोज आएगी जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो दोस्तों सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हम बनेंगे जोरदार, मज़ेदार और भी ज़्यादा। तो कंटिन्यू रहिए चैनल के साथ और सब्सक्राइबर भी बढ़ाते रहिए।